फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द $100 स्टार्टअप। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। इस किताब से आज हम 6 बातें सीख कर जाएंगे जो कुछ इस प्रकार के होंगे। चैप्टर 1 में लेखक ने स्टार्टअप किस चीज का शुरू करें इसके बारे में बताया है। चैप्टर 2 में लेखक ने आप अपनी किस आधार पर स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। चैप्टर 3 में लेखक ने एक आइडिया को प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेचना है इसके लिए डिटेल में चैप्टर 3 में समझाया है। चैप्टर 4 में लेखक ने अपने सफलता का राज बताया है। चैप्टर 5 में जो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करेगा वह क्या चीज है। चैप्टर 6 में लेखक ने 6 स्टेप में ही अपने स्टार्टअप शुरू करने का राज बताया है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और ज्यादा काम करने की और ऑडियो बुक बनाने की। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, स्टार्टअप किस चीज का शुरू करें। सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टार्टअप किस चीज का शुरू करें, तो इसके लिए लेखक ने सरल तरीका बताया है। सबसे पहले आपके जो भी इंटरेस्ट है उनकी एक लिस्ट बनाइए, फिर आप ये देखिए कि उनमें से किस इंटरेस्ट के लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो आप उस इंटरेस्ट को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जहां इंटरेस्ट और कमाई दोनों की पॉसिबिलिटी हो उसी को कन्वर्जेंस कहते हैं। आइए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके इंटरेस्ट हैं जैसे पहला गजल लिखना, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा म्यूजिक सुनना, चौथा जॉगिंग। अब अगर आप एक गजल लिखते हैं तो कम चांसेस होंगे कि लोग उन्हें पढ़ेंगे और सुनेंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको एक प्रसिद्ध गजल राइटर होना चाहिए। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए गजल लिखते हैं तो इस तरह का गजल नहीं चलेगा। म्यूजिक भी आप सिर्फ अपने लिए ही सुनते हैं और मान लेते हैं कि म्यूजिक थ्योरी की भी आपको खास समझ नहीं है, तो इस पर भी आपको शुरू करेंगे तो सफल नहीं होंगे। ऐसे ही जॉगिंग भी ऐसा टॉपिक होगा जिस पे आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो बचा हिस्ट्री। अब क्योंकि हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है और अगर आप हर क्लास के पिछले सालों के हिस्ट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की वेबसाइट शुरू करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को विजिट करेंगे, तो ये वेबसाइट पैसे कमा पाएगी। इसके अलावा आप हिस्ट्री के वीडियो भी यूट्यूब पर डाल सकते हैं या वेबसाइट पे हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह आप पेपर पर अपने सारे इंटरेस्ट लिखिए और एनालाइज करिए कि आपका कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए पैसे कमा सकता है, उसी पे आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी है। चैप्टर नंबर 2, आप अपनी किस आधार पे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आप अपनी स्किल के आधार पे भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास क्या स्किल है। यह ढूंढने का इजी तरीका है आपका प्रोफेशन या जॉब। हर व्यक्ति कोई ना कोई जॉब तो करता ही है, वही उसकी स्किल होती है। क्या आप टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो इन्हीं स्किल पे अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। टीचर हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो डाल सकते हैं यूट्यूब पे। हाउसवाइफ हैं और कुकिंग का शौक है तो कुकिंग वीडियो डाल सकते हैं और लोगों की सर्विस दे सकते हैं आदि आदि। चैप्टर नंबर 3, एक आइडिया को प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेचना है चलिए जानते हैं। ऊपर के दोनों लेसन में आपने सीखा कि स्टार्टअप का आइडिया कैसे ढूंढना है, अब उस आइडिया को प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेचना है इसके लिए लेखक ने 3 स्टेप का आसान सा फॉर्मूला दिया है। आपको 3 चीजें चाहिए। पहली, जो भी आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कुकिंग वीडियो या टीचिंग लेसन। दूसरी, एक वेबसाइट बना लीजिए और उस पर उन वीडियो को अपलोड कर दीजिए। कीमत डिसाइड करिए, फिर पेपल के जरिए आप उसे बेच सकते हैं। पेपल एक फ्री ऐप है जो बहुत भरोसेमंद है, उसे पीटर थिल और एलन मस्क ने बनाया था। तीसरी, अब आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना है, इसके लिए आप फेसबुक या गूगल पर एडवर्टाइजमेंट कर दीजिए। इससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका प्रोडक्ट का आइडिया बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि बेकार की चीजें कोई नहीं खरीदेगा या देखेगा। तो ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए यही बेसिक चीजें चाहिए होती है। चैप्टर नंबर 4, इस लेसन में लेखक ने सफलता का राज बताया है। हर प्रोडक्ट सफल नहीं होता, लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसका पैकेट खोलते ही उन्हें हैप्पीनेस मिले। जब लोग चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उनकी भूख मिटती है, इससे उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। जब जूतों का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें कंफर्ट के साथ चल पाने की खुशी मिलती है। मोबाइल का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें अपनों से बात कर पाने की खुशी मिल पाती है।
इसी तरह से हर पैकेट में ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता है? तो दोस्तों, इसी में आपकी सफलता का राज छुपा है। अगर आपकी स्टार्टअप चल नहीं पा रही है तो भी इस सीक्रेट का इस्तेमाल करिए और नई शुरुआत करिए। तब भी ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जिसे पाकर लोगों को बहुत खुशी मिले, नहीं तो कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। चैप्टर नंबर 5, जो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाएगा वो क्या चीज है, चलिए जानते हैं। खुशी के अलावा दूसरा पैरामीटर जो आपके प्रोडक्ट को सक्सेसफुल करेगा वह है वैल्यू। क्या आपका प्रोडक्ट दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है? जैसे अगर आपको वीडियो बनाना शुरू करना है तो सोचिए कि वह लोगों की किस तरह से हेल्प करेगा। क्या वह नया नॉलेज देगा या उनकी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा? तो इस तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए सोचिए। इसके लिए आप इन आइडिया की हेल्प ले सकते हैं। देखिए कि मार्केट में क्या चीज वैल्यूएबल नहीं है या कौन सा प्रोडक्ट बेकार है, लेकिन लोगों को लेना पड़ता है। क्या किसी प्रोडक्ट को एक्सेसरी बनाई जा सकती है या फ्यूचर में कुछ नई चीजों की डिमांड होने वाली है? इससे आप एक वैल्यू वाला प्रोडक्ट बना पाएंगे। चैप्टर नंबर 6, चलिए जानते हैं कि कैसे 6 स्टेप में ही अपनी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। 1, प्रोडक्ट बनाइए। 2, वेबसाइट बनाइए। 3, लोगों को ऑफर दीजिए। 4, पेमेंट का मेथड रखिए। 5, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, एड दे सकते हैं टीवी पे, यूट्यूब पे। 6, स्टेप 1 से 5 तक सीखिए और रिपीट करते रहिए। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ 6 स्टेप में ही अपनी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कोई चीज आपको नहीं आती है तो वेब डेवलपर आदि हायर कर लीजिए। अगर नहीं हायर कर पाते तो आप ऑनलाइन जाकर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं सीख सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक हम रिलाइज है।